पूजा, आइए रुक करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर हो रही सुनवाई अब टल गई है। सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को कहा है कि वो किसानों का पक्ष जाने बिना कोई निर्णय नहीं लेगी। ऐसे में अभी सरकार और किसानों के बीच कमेटी बनाने पर कोई निर्णय नहीं हुआ। हालांकि सुनवाई के दौरान अदालत ने कुछ सख्त टिप्पणी की, जिसमें प्रदर्शन को किसानों का हक बताया गया, लेकिन इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अदालत ने सरकार को सलाह भी दी कि वो कुछ वक्त के लिए कानूनों को होल्ड रखने पर विचार करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच आज वर्चुअली तरीके से द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। साथ ही चुलहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक की शुरुआत की गई। दोनों देशों ने कई MOU पर भी साइन किए। किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ भिड़ गए हैं, जिसमें कंगना के ट्वीट पर दिलजीत ने करारा जवाब दिया है। सोने चांदी की कीमतों में आज भी तेजी जारी है। चांदी में शुरुआती ट्रेंडिंग में शानदार बढ़त है। सोना धीरे धीरे एक बार फिर 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की ओर। देश में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों ने बुधवार को बड़ी राहत दी है। बुधवार को 18,164 नए केस आए, 24 जून के बाद सबसे कम रहे। इंदौर के अरुरम थाना क्षेत्र में पति पत्नी की हत्या, घर में मिली लाश। ये पूरा मामला छोटा बांगरदा क्षेत्र का है, पुलिस जांच में जुटी। इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र के गीता भवन चौराहे पर MBA की छात्रा ने मोबाइल छीनते आए बाइक सवार दो बदमाशों को युक्ति ने हिम्मत दिखाकर एक बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। वहीं एक अन्य बदमाश मौका देखकर फरार हो गया। मंडला पुलिस ने किया मोटरसाइकिल चोर गिरोह का खुलासा, प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद ने वन नेशन वन एजुकेशन रैली की अगुवाई कर सरकार को आड़े हाथों लिया। उमरिया बांधवगढ़ नेशनल पार्क प्रबंधन की जानकारी के बाद भी नकेल कसने में असफल रही है। यहाँ बेखौफ लोग घूमते नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।